हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सरकारी करियर जॉब। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। क्या वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, वैकेंसी कितनी है, सारी बातें वीडियो में करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर चैनल हमारे सरकारी करियर जॉब पर आप पहली बार आए हो, वीडियोज़ देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये लाल बटन सब्सक्राइब का आपको वीडियो के नीचे नज़र आ रहा होगा, तो प्लीज़ अभी के अभी से प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे भी आप जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या किसी भी टाइप की वैकेंसी से रिलेटेड, तो उसकी नोटिफिकेशन वीडियो की आपको सबसे पहले मिले, उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाओ। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और एक बात, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इन वीडियोज़ का आकर के आप जरूर देखना, ये सारी वीडियोज़ लेटेस्ट वैकेंसी की हमने अपलोड की हैं, मेक श्योर गारंटी कहते हैं ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और एक बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम बहुत सारी वैकेंसीज की वीडियोस का लेटेस्ट लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। इसी साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके कुछ चाहो आप, कोई कमेंट, कोई डाउट, कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछना, या कोई कमी रह गई वीडियो में तो जरूर आप बता नीचे कमेंट कर, हम जरूर कोशिश करेंगे उसका हम आंसर करें या उसको हम सॉल्व करें। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख पा रहे हो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट डेट से। तो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो 25 सितंबर रखा गया है, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भी इस वीडियो को देखना, अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, दिन लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर देना। कैंडिडेट्स बहुत सी ऐसी गलती करते हैं कि वो लास्ट डेट का वेट करते हैं, और लास्ट डेट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दिन वो फिर अप्लाई नहीं कर पाते। तो मेक श्योर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो दिन लास्ट डेट से पहले ही आप अप्लाई कर देना। अब बढ़ते हैं पोस्ट की तरफ। तो पहली जो पोस्ट है वो है डायरेक्टर चीफ फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर एरोप्लेन की। इसमें 3 वैकेंसी है। सैलरी की बात की जाए तो 7.5 लाख रुपये, मतलब 7,15,100 रुपये पर मंथ का सैलरी, यहाँ सैलरी बहुत ही अच्छी दी जा रही है। यहाँ आप लोगों को ही पता होगा सिविल एविएशन में बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ मिलती है, तो सैलरी यहाँ पे 7,15,100 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात की जाए, कैंडिडेट के पास 10+2 होने चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से हो, कैंडिडेट्स एलिजिबल है। और कैंडिडेट के पास शुड हैव एन एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस इशू बाय द DGCA, लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, बाय इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद करेंट पायलट इन कमांड रेटिंग इन सिविल एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टोटल एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 6,500 आवर्स, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 5,000 आवर्स एज पायलट इन कमांड ऑन एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस आपका ये होना चाहिए। डिजायरेबल में यहाँ रखा गया कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस में फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। दूसरी जो पोस्ट है वो है सीनियर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर एरोप्लेन की। इसमें 5 वैकेंसी है। इसमें भी सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त दी जा रही है। सैलरी यहाँ पे आपको 6.25 लाख रुपये, 6,13,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इस हिसाब से अगर आप पैकेज जो आपका अंदाज़ा लगाओगे तो मेरे ख्याल से 72 लाख, मतलब 72 से 73 लाख रुपये आपका एनुअल का पैकेज बनता है। तो खैर, सैलरी तो इसमें बहुत ही अच्छी दी जाती है। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लिया, कैंडिडेट्स के पास 10+2 होनी चाहिए विथ फिजिक्स मैथ एज सब्जेक्ट इन 10+2 फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, एंड शुड आर एक्सपीरियंस की बात कर लिया, आगे शुड हैव एन एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस इशू बाई द DGCA इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ करेंट पायलट इन कमांड रेटिंग ऑन सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। टोटल एक्सपीरियंस की बात कर लिया तो टोटल एक्सपीरियंस में लिखा गया टोटल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 6,000 आवर्स, ऑफ विच नॉट लेस देन 4,000 आवर एज पायलट इन कमांड ऑन एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। डिजायरेबल में रखा है कि आपके पास ग्रेजुएशन कैंडिडेट के पास होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर मास्टर डिग्री कैंडिडेट के पास होना चाहिए साइंस में फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। तीसरी जो पोस्ट है वो है फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर एरोप्लेन की। इसमें 29 वैकेंसी है। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 4,22,800 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करिए, कैंडिडेट्स के पास 10+2 होनी चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ इन 10+2 में एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और साथ साथ एक्सपीरियंस भी वही है, सेम है। थोड़ा सा डिटेल्स है यहाँ पे आपको, टोटल एक्सपीरियंस में लिखा है नॉट लेस देन 5,000 आवर्स, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 2,000 आवर्स इन पायलट इन कमांड ऑन एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। डिजायरेबल में आपके पास कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन साइंस में विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। चौथी और लास्ट जो पोस्ट है वो है फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर हेलीकॉप्टर की। इसमें 3 वैकेंसी है। सैलरी यहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपये प्रोवाइड की जाएगी, मतलब उस हिसाब से अंदाज़ा लगाओ तो आपका 30 लाख रुपये का पैकेज होता है एनुअल। एलिजिबिलिटी की बात कर जाए, कैंडिडेट्स के पास फिजिक्स 10+2 होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, शुड हैव एन, और साथ ही आप लिख दीजिएगा, शुड हैव ए
कमर्शियल पायलट लाइसेंस हेलीकॉप्टर की इशू बाय द DGCA इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद करेंट पायलट इन कमांड रेटिंग डिजायरेबल में कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन चाहिए साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। अप्लाई कैसे करना है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो भी रहेंगे उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे अच्छे से फिल करके डॉक्यूमेंट जो भी रखा गया है रिक्वायरमेंट रखा गया है उसे अटैच करके और आपको ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा और एड्रेस कहाँ से मिलेगा, जब बता दूँ ये ऑफिशियल एड्रेस और एप्लीकेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सरकारी कैरियर जॉब की इस पोस्ट का लिंक डायरेक्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे आओ, सारी डिटेल यहाँ पे रीड करो आप। अगर जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे जिसमें डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, दोनों लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन पर डाउनलोड करो, नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, वहाँ से रीड करो नोटिफिकेशन। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, देन यहाँ पे फिर आप फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप सेंड कर सकते हो ऑफिशियल एड्रेस पे, वहाँ से आपको फिर अगर आप सिलेक्शन होता तो आपको कॉल किया। लेकिन ये बहुत ही वैकेंसी तो ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन सैलरी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे दी जा रही है, आपको सैलरी बहुत ही अच्छी दी जा रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े कंपनीज भी इतनी सैलरी प्रोवाइड नहीं करते जो गवर्नमेंट में आपको सिविल एविएशन में सैलरी मिल जाती है। तो बात सब लोग जानते हैं सिविल एविएशन में बहुत ही ज़्यादा पैसा है, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। यही सारी वैकेंसी थी जो हमने आपके साथ शेयर की वीडियोज़ आज तक की। मैं सच बताऊँ तो आज तक की जितनी भी वीडियोज़ मैंने बताई हैं उनसे सब उन सभी वीडियोज़ में जितनी भी वैकेंसी निकल सभी वैकेंसी में सबसे ज़्यादा अच्छी सैलरी इसी में मुझे देखने मिली। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेगा उनसे रिक्वेस्ट है कि चांस आप मिस मत करना, अप्लाई ज़रूर करना। बाकी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड करना। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो पहली बार आए हो, आप चैनल पहली बार आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाल बटन को प्रेस करके बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे भी आप जरूर प्रेस करना, इसी तरह की और भी लेटेस्ट वैकेंसी अच्छी से अच्छी वैकेंसीज की वीडियोज़ देखने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।